हेलो, गुड इवनिंग टू यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल खुश हूँ, हेल्दी हूँ। और आज 7th डे है, आप मुझे देख सकते हो। मैं आप लोगों के साथ डेली अपना ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई, आपको पता है, लेकिन आज मैंने पूरे 7 डेज बाद फिर आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर की, आप लोगों को बताने के लिए। जो लोग सोचते हैं कि सॉल्ट के बिना तो हम मरे जा रहे हैं, डे 1 से आज तक, आज 7th नवरात्रा है और मैंने सॉल्ट इनटेक नहीं किया है। अब आपको मेरे अंदर कितनी कमजोरी फील हो रही है वो तो आप ही बता सकते हो। और माता रानी की कृपा से 7 डेज मैंने बहुत अच्छी तरह से किए और आज रिजल्ट डे था। और अच्छा, मेरे बेटे के अच्छे रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे अच्छे मिले कि आपने क्या कर लिया। बिल्कुल, आप तो लगते ही नहीं हो कि आपका 8 साल का बेटा है और आप मेरी देख सकते हो। बिल्कुल, ये शर्ट मुझे बिल्कुल फंस के आती थी और मैंने ऑप्शन में रखी हुई थी, नहीं, इस शर्ट को मैंने बिल्कुल लूज करना है। और आप यकीन करोगे, ये लूज हो भी गई और मैंने पीछे से इसको रोल करके टक किया हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा लूज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर अपने ऊपर मेहनत करते हो तो रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं। जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं ना कि कोई जादू की छड़ी घूमेगी और आप बैठे बैठे ही पतले हो जाओगे, तो ऐसी जादू की छड़ी तो कोई भी दुनिया में आज तक नहीं बनी है। चाहे वो वर्क को लेके हो, चाहे पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो मोटापे को लेके भी हो, तो पतला होके मैंने अपने आप को एनर्जेटिक तो किया ही किया है, साथ में मैंने अपनी लाइफ को एक नए ट्रैक पे मैं लेके भी आई हूँ। उसी लिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, प्लीज मी टाइम खुद के लिए जरूर निकाला कीजिए। जो ये बोलते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, अरे टाइम किसी के पास नहीं होता। आप 40 साल, 50 साल, 60 साल के भी हो जाओगे तो भी यही कंप्लेन आपकी सेम रहेगी कि टाइम ही नहीं मिलता। टाइम कभी भी नहीं मिलेगा, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपने प्रिटी ड्रेसेस में या फिर कोई आउटफिट में नहीं फिट हो पाते तो आप फील करना, काश मैं वॉक कर पाती, काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेती, कल से पक्का करूंगी, प्लीज आज मैं मोटी ना लगूं फंक्शन में। तो प्लीज अपने अंदर ना ये ख्याली पुलाव को तो बिल्कुल माइनस कर दीजिए। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक मैंने मेहनत नहीं की थी, मैं भी काश में जीती थी, मैं भी हाय सबको इतने प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं, मेरे लिए ये मतलब कुर्ता वगैरह लूज लूज कपड़े ही क्यों। और कहीं पे भी जाना होता था लो टी शर्ट, बस एक यही ऑप्शन मेरे लिए बच गया था, क्योंकि एकदम से इतना वेट मैंने बढ़ा लिया था। सोचने वाली बात है, अगर मैं 90 से 88 और 98 में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, अगर मैंने अपने आप को पीछे ना खींचा होता, जबरदस्ती मैंने अपने आप से नहीं की होती, जबरदस्ती मैंने अपने आप को 4 बजे वॉक पे नहीं लेके मतलब नहीं ले जाई होती, तो आज मैं 100 से पार होती और वही बहाने कर रही होती, वही सब कुछ करे, टाइम ही नहीं मिलता। अरे टाइम निकालना पड़ता है, ये लाइफ आपकी है, आपकी ही रहेगी। इस एक लाइफ में आपने या तो खुश होके काटिए या फिर डिप्रेशन में काटिए। मैं इतनी डिप्रेस्ड रहती थी, मतलब सोचने वाली बात है। मैं अभी कुछ दिन पहले, डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पे, मैं उनके ना क्लिनिक से आगे गुजर रही थी, तो मैंने सोचा, मैं कहा एक टाइम ऐसा था मैं यहाँ पे इतनी देर तक बैठी रहती थी और मुझे कितनी कितनी मेडिसिन्स खानी पड़ती थी, और आज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मैंने खर्चा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी नींद तो कम की, रात को जल्दी सोना शुरू कर दिया ताकि सुबह जल्दी नींद खुल सके। तो यही चीज तो है, एक बार अपनी बॉडी को मेहनत के उस जोन में, जो आपका टफ जोन होता है, उसमें हमें लेके जाना पड़ता है। और जब हम उस टफ जोन में अपने आप को ले जाते हैं, कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने आप को प्रिटी फिट कर लूंगी, मैं अपने आप को हेल्दी कर लूंगी, और मैं आज फिट भी हो चुकी हूँ, हेल्दी भी हो चुकी हूँ। और मैंने नवरात्रों को ना व्रत के तौर पे लिया। एक कहावत होती है कि व्रत कर रहे हो भरत कर रहे हो, हमारी साइड तो उसका मतलब ये होता है कि कई लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं, सारा दिन चिलाई के लड्डू खाते हैं, सारा दिन वो अपने चिप्स खाते हैं, कई तो ऐसे देखे हैं मैंने कि दो दो बार भी खाना खाते हैं। आप यकीन करोगे, मैंने
माता रानी जानते हैं, मैंने एक कुट्टू की रोटी नहीं खाई, कोई मैंने अन्न नहीं खाया, चाहे वो व्रत वाला ही अन्न क्यों ना हो, कोई मैंने सावक के चावल या कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल प्रॉपर सैलेड्स या फ्रूट्स भी मैंने एक्सेस में नहीं लिए हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ कि जितना आपका वेट होता है उसके आगे एक जीरो ऐड कर दीजिए, तो उतना अपने फ्रूट डेली लेना है। और ये भी कोई जरूरी नहीं होता, मैंने नारियल पानी बहुत अच्छा खासा लिया कि डेली नारियल पानी जरूर लीजिए, आपको एनर्जी रहेगी। जब भी आपको वीकनेस फील हो तो फ्रेंड्स आप लोग नींबू पानी ले सकते हो, उसके अंदर नमक वगैरह या फिर आप उसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं ऐड कीजिए कि शुगर ऐड कर रहे हो, चाशनी ऐड कर रहे हो, नहीं, उससे वेट ही बढ़ेगा, एनर्जी नहीं मिलती। सिंपल प्लेन नींबू पानी से भी एनर्जी मिलती है, और मैं तो नींबू पानी भी नहीं पी सकती क्योंकि मुझे नींबू से थोड़ी सी एलर्जी है। और फ्रेंड्स, होममेड टी, जो भी होममेड टी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप वो होममेड टी अपनी रेगुलर ले सकते हो। तो धनिया साबुत होता है या फिर मेथी दाना होते हैं, इनको हम नहीं ले सकते, बाकी चीजों की आप होममेड टी ले सकते। तो आज भी 7 डे कंप्लीट हुआ, कल मेरे फास्ट ओपन हो जाएंगे, कल अष्टमी है, तो माता रानी आप सबकी दुआएं कबूल करें। तो मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो इसीलिए शेयर किया कि मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाती हूँ, तो ये मत सोचा कीजिए कि आप लोगों की मुझे चिंता नहीं है, आप लोगों की मुझे हमेशा चिंता रहती है, तभी मैं आप लोगों के साथ बीच बीच में आके वीडियो बनाती रहती हूँ। और आज भी फुल डे बेटे के स्कूल में ही निकल गया, तो मैंने सोचा कि अब चेंज करने से पहले आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बना दूं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की लाइफ आपके हाथ में है कि आपने कैसे करने। मैंने तो 7 डेज में अपने बॉडी के ऑर्गन्स को बिल्कुल, मशीनरी को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, एनर्जेटिक कर दिया है। आप लोग भी जरूर कीजिए। शुरू शुरू में होता है कि हमें घबराहट होती है, बीपी लो होता है, लगता है कि हम तो भाई कर ही नहीं पाएंगे। एक बार कदम बढ़ाइए तो सही, जब हम एक बार अपना कदम आगे बढ़ा देते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने, तो फिर देखना जादू की छड़ी तो आप ही घुमाओगे। अपने हाथ में उस जादू की छड़ी को लीजिए और अपने आप को ऐसा फिट कर दीजिए। ये हर किसी का एक ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम है कि हमेशा टक करके मुझे ऐसे शर्ट्स वगैरह रखना पसंद है, और मैंने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फिट कर दिया है, हेल्दी भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने आप को हेल्दी कर सकते हो, फिट कर सकते हो। मॉर्निंग वॉक कीजिए, पानी के हमेशा 14 से 15 गिलास जरूर पीने हैं, गर्मियां आ चुकी हैं, अपने आप को नारियल पानी दीजिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत दीजिए अपने आप को। आपने हेल्दी आप सैलेड्स वगैरह दे सकते हो, फ्रूट्स वगैरह दे सकते हो, जितना फाइबर हो सकता है अपने आप को फाइबर दीजिए। खाना चबा चबा के खाना है, पानी सिप सिप करके पीना है, ये जब आदतें आप लोगों के अंदर आ जाएगी, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और फोन को अपने आप से थोड़ा दूर कर दीजिए रात को 10 बजे से पहले, ताकि आपको सिग्नल मिल सके आपके माइंड को, और माइंड आपके आईज के रेटिना को सिग्नल दीजिए कि हाँ जी हमारे सोने का टाइम हो गया, तो नींद देखना बड़ी जल्दी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे भी अपना प्यारो स्पॉट बनाए रखना, और अच्छे अच्छे इंचेस लूज कीजिए, अपने आप को हेल्दी कीजिए, और अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए, और आप देखना आप अपनी एज से बहुत ज्यादा यंग लगने शुरू हो जाओगे, जैसे मैं बहुत ज्यादा यंग लगनी शुरू हो गई हूँ, क्योंकि पहले और अब के कंपैरिजन में मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आप लोगों को भी मिल सकते हैं। तो प्लीज, इंतजार किस चीज का है, तो जल्दी से अपना कॉपी पेन उठाइए और जल्दी से अपना टारगेट लिखिए। छोटा टारगेट खुद को देना है, लंबा टारगेट अपने आप को नहीं देना। 5-5 किलो का दीजिए, 2-2 किलो का दीजिए। 2000 स्टेप से मैंने अपनी शुरुआत की थी वॉक की, 20 किलोमीटर कैसे डेली हो जाते थे पता ही नहीं चलता, जुनून अपने अंदर लेके चली थी मैं। तो आप लोग भी हो सकते हो, प्लीज अपने आप को हेल्दी कीजिए, फिट कीजिए। पतला होते रहोगे पर अपने आप को हेल्दी भी आप लोगों ने करना है। तो है, और फ्रेंड्स जो अभी तक वेट कर रहे हैं ना कि हाँ जी ऑयल पुलिंग तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लुक एट माई स्किन, आप देख सकते हो मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं, मैंने स्किन के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ,
और मेरी स्किन बहुत अच्छी खासी हो चुकी है, ग्लोइंग हो चुकी है। आप लोगों की भी हो सकती है, कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। 2 स्पून आपने अपना ऑयल का ले लेना है, चाहे आप ओलिव ऑयल ले सकते हो, चाहे आप अपना सेसमे सीड्स का ले सकते हो, जो आपके तिल के तेल होता है उसे ले सकते हो। मुंह में 2 चम्मच लेना है, अच्छी तरह से गार्गल करना है। गार्गल नहीं, ऐसे ऐसे ऊपर करके नहीं करना, आपने मुंह में जैसे आप पानी को घुमाते हो मुंह में, ऐसे आपने तेल को घुमाना है। 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, मैं तो आधा आधा घंटे से भी ज्यादा कर लेती हूँ, तो रिजल्ट्स तभी मुझे मिले हैं। जॉ लाइन बहुत शार्प हो जाएगी आपको, मतलब टीथ में अगर कोई भी सेंसेशन है उससे प्रॉब्लम से दूर हो जाएगी। माइग्रेन आपका कभी नहीं होगा, सिर का दर्द जो होता है ना, सुबह सुबह उठ के सिर का दर्द होता है, कभी नहीं होगा। मेरे वर्ड्स आप याद रख लीजिए और 1 महीने खुद को ऑयल पुलिंग के जोन में लेके जाइए और ऑयल पुलिंग कीजिए, फिर देखना स्किन भी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपके जॉ लाइन बहुत अच्छी होगी। अगर जिनका बहुत ज्यादा फेस फैट होता है, वैसे हमसे कोई स्पेशल हम नहीं कर पाते हैं, पर ये जरूर कर सकते हो आप, ऑयल पुलिंग कीजिए और जब आपको 10 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, उसके बाद उसे स्पिट करना है, थूकना है, उसके 10 से 15 मिनट बाद ही आपने ब्रश करना है। इमीडिएट बाद आपने ना तो पानी पीना है, ना ही आपने ब्रश करना है, फिर देखना जादू। ऑयल पुलिंग के भी बेस्ट 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 रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे ये छोटे छोटे से टिप्स अच्छे लगते हैं, तो अच्छे लगते हैं प्लीज और लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखना। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन, जिनसे मैंने अपना बहुत अच्छा खासा वेट कम किया, 88 से मैं अगर अपने आप को 58 पे भी लेके आई थी, 56 पे भी मैं गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने अब वेट बढ़ाया भी है, पर मैंने अपने इंचेस बहुत अच्छे खासे कम कर दिए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सॉल्ट फ्री कीजिए, बेस्ट 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 है, सॉल्ट फ्री कीजिए। अगर नहीं फुल डे सॉल्ट फ्री कर सकते हो तो अपने आप को डिनर आपने सॉल्ट फ्री देना है, बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, नींद बहुत अच्छी खासी आएगी। अगर नींद नहीं भी आती है तो रात को गर्म पानी में नहा के जरूर सोया कीजिए, जैसे सुबह ठंडे पानी में नहाने से बॉडी एक्टिव होती है, ऐसी रात को अगर गर्म पानी में नहा के हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। तो उस रिलैक्सेशन के लिए आपने रात को गर्म पानी में जरूर नहाना है, अगर नहा भी ना सको तो पैर तो जरूर गर्म पानी में धो के सोया करो। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय टू ऑल।